आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए। साल 2022 में संगीत वाद्य यंत्र किन्नेरा के लिए हैदराबाद के दर्शनम मोगुलैया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था और देश भर में इनके नाम की चर्चा हुई थी। कई लोग इनकी कला के फैन बने, लेकिन आज वो कहां है? दर्शनम मोगुलैया को हाल ही में हैदराबाद के पास तुर्कियम जाल में एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते देखा गया। पुरस्कार के बाद मोगुलैया को तेलंगाना सरकार ने 1 करोड़ रुपए नकद दिए थे, जिसे मोगुलैया का कहना है कि पारिवारिक जरूरतों के चलते खर्च कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए कि एक गरीब आदमी 1 करोड़ रुपए 2 साल में खर्च कर देता है और 2 साल के अंदर दोबारा से मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। मोगुलैया के बच्चे बेटे को दौरे पड़ने की बीमारी है, जिसकी दवा लेने के लिए मोगुलैया को हर महीने 7,000 रुपए की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मोगुलैया अब मजदूरी कर रहे हैं। मोगुलैया के कुल 9 बच्चे हैं। 3 बच्चों की बीमारियों से मौत हो चुकी है और 3 की शादी हो चुकी है। बाकी 3 अभी छात्र हैं और मोगुलैया पर डिपेंडेंट है। मोगुलैया की पत्नी का 4 साल पहले निधन हो चुका है, यानी कि मोगुलैया को जब वो रकम मिली तब उनकी पत्नी जिंदा नहीं थी। और आप जरा ये सोचिए, आज मोगुलैया की जरूरत सिर्फ 7,000 रुपए महीना यानी कि 84,000 रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन कुछ समय पहले तक आज 7,000 रुपए की जरूरत बताने वाले मोगुलैया की जरूरतें 4,16,000 रुपए से भी पूरी नहीं हो सकी थी। और शायद यही वजह है कि महज 2 साल के अंदर उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस एक उदाहरण से आप ये समझिए कि इंसानों की जरूरतों का कोई अंत नहीं। अगर आज आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब आप 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे, या फिर आज आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं और सोचते हैं कि जब आप 10 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे तब आपकी जरूरतों का अंत होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जरूरत का स्टैंडर्ड महज इतना है कि आप कितने में खुश हैं। आप साइकिल पर भी खुश हो सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी में भी दुखी हो सकते हैं। इसके साथ ही इस खबर से हमें जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। मोगुलैया को जब पद्म पुरस्कार मिला तब उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले। तब तमाम लोग उनके घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके दूर के रिश्तेदार भी उन्हें अपना करीबी बताने लगे, लेकिन आज कोई रिश्तेदार कोई करीबी उनके साथ नहीं है। मोगुलैया आज ये कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। लोगों ने सहानुभूति तो जरूर व्यक्त की, उनके अतीत की सराहना भी की, कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। यानी कि जब आप सफल होते हैं तब हर कोई आपसे संबंध रखना चाहता है, लेकिन अगर इस घड़ी में आप खुद को सब कुछ समझने लगे तो आप ये याद रखिएगा कि समय का चक्र है, समय बदलता जरूर है, और इसीलिए हमारे समाज में काइंडनेस और हम्बलनेस की बात की जाती है। यानी कि चढ़ते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, जो मोगुलैया के साथ हुआ, लेकिन उनके डूबने के दौरान यानी कि जब वो पैसे खर्च हो गए तो उनसे हर किसी ने मुंह फेर लिया। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जो मोगुलैया आज से 2 साल पहले 1 करोड़ के मालिक थे, पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे, आज वो किस स्थिति में है। इस खबर के 2 पहलू हमने आपको बताए, लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है और वो है मनी मैनेजमेंट का। आपको वो खबर भी याद होगी जब जाने माने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में यानी कि केबीसी में सुशील कुमार ने साल 2011 में 5 करोड़ की राशि जीती, लेकिन बाद में खबर क्या आई कि वो सड़क पर आ चुके हैं, उनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं बचा है। मोगुलैया की तरह ही सुशील कुमार ने भी भरपूर पैसा मिलते ही इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसको बेतहाशा खर्च करना शुरू कर दिया। सुशील कुमार ने खुद बताया कि वो नशे की लत में पड़ गए, बिना जांचे परखे प्रॉपर्टी खरीदने लगे, फिल्म प्रोड्यूसर बनने की चाह में मुंबई चले आए, लेकिन अंत में ठनठन गोपाल सारा पैसा खर्च। अब सुशील अपने अच्छे दिनों को याद करके सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि हमारे यहाँ ये एक बड़ी समस्या है कि लोगों को मनी मैनेजमेंट, या फिर मैं ये कहूँ कि पैसा आ जाने के बाद
उस पैसे का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है जिससे उनको भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सके। उन्हें कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं, पैसा खर्च किस तरीके से करना है, पैसों को सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब बातें हमारे देश में एक बहुत बड़े वर्ग को पता ही नहीं है। मसलन अगर मोगलैया या फिर सुशील कुमार ने इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो आज शायद वो इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज वो हैं।